हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब मछुआरे की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गरीब मछुआरे की कहानी। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक उसके गांव में भयानक अकाल पड़ जाता है और एक एक करके उस गांव के लोग भूख से मरने लगते हैं। जल्दी से गांव छोड़कर जाना होगा, वरना एक दिन मैं भी भूख से मर जाऊंगा। अगले ही दिन रामू उस गांव को छोड़कर चला जाता है। काफी देर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंच जाता है। गांव तो अभी हरा भरा नजर आ रहा है और यहाँ एक बड़ी नदी भी है। मैं यही आराम से मछलियाँ पकड़कर अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। जैसे ही रामू उस नदी में मछली पकड़ने जाता है कि तभी दूसरे मछुआरे रामू को देख नाराज हो जाते हैं। अरे ठहर जाओ, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस नदी में मछली पकड़ने की? भाई क्या हुआ, अगर मैं थोड़ी सी मछली पकड़ लूंगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? देखो मैं बहुत गरीब हूँ। गरीब है तो हम लोग क्या करें? देख, हम लोग यहाँ सालों से मछली पकड़ रहे हैं और कोई बाहर वाला यहाँ आकर मछली नहीं पकड़ सकता। ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तू यहाँ से भाग जा, वरना हम सब मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। की होकर रामू वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है। अब तो काफी रात हो चुकी है, गांव के सभी मछुआरे सो गए होंगे। मैं अभी आराम से नदी पर जाकर मछलियाँ पकड़ सकता हूँ और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। आजकल रामू नदी पर मछलियाँ पकड़ने पहुँच जाता है, लेकिन तभी एक मछुआरा उसे देख लेता है। क्यों रे, सुबह हमने तुझे यहाँ मछली पकड़ने से मना किया था ना, लेकिन तू तो फिर से आ गया। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी खूब पिटाई करूँगा। आदमी की धमकी सुनकर रामू फिर से उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रामू का भूख से बुरा हाल हो जाता है। फिर एक दिन रामू देखता है कि सभी मछुआरे अपनी जान बचाकर नदी से भागे चले जा रहे हैं। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इस तरह डरकर भाग क्यों रहे हो? नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया है, इसीलिए हम सब उससे डरकर भाग रहे हैं। रामू मगरमच्छ को देखने नदी किनारे पहुंच जाता है। अरे तू पागल हो गया है क्या, जो मौत के मुंह में जा रहा है? चल पीछे हट, वरना ये मगरमच्छ तुझे खा जाएगा। मैं मगरमच्छ से नहीं डरता, अगर मैं इस मगरमच्छ को मार दूं तो क्या तुम लोग इस नदी से मछली पकड़ने दोगे मुझे? लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें तेरी शर्त मंजूर है। तू जिंदगी भर यहाँ मछलियाँ पकड़ सकता है, कोई तुझे नहीं रोकेगा। ये सुनते ही रामू एक बड़ा सा चाकू निकालकर नदी में कूद पड़ता है और अपनी चाकू से उस मगरमच्छ पर हमला करके उसके दोनों आंखें फोड़ देता है। लेकिन तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। नजारा देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाम चांदनी है, मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया था। लेकिन आज तुम्हारी वजह से श्राप से मैं मुक्त हो गई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी करके जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर रामू खुश हो जाता है। सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो और मैं एक बेरोजगार गरीब मछुआरा हूँ, तुम्हें रखने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है। फिकर मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी अभी दूर कर देती हूँ। ना कह कर चांदनी नदी के अंदर हाथ डालकर एक मटका बाहर निकाल लेती है। ये मटका कई सालों से इस नदी के तले में दफन था। इसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। अब हम दोनों की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। रामू आधे सोने के सिक्के वहाँ के गरीब मछुआरों में बांटकर उस खूबसूरत लड़की के साथ चला जाता है। अगले ही दिन दोनों शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों गरीब मछुआरे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
के निडर और बहादुरी का सहारा लेकर हम दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।